कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले भ्रम और इसे दैवीय आपदा मानते हुए कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुरादाबाद के थाना मंझोला में 15 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इन लोगों की मान्यता है कि मंगूपुर के स्थानीय मंदिर पर जल चढ़ाने से कोरोना जैसी बीमारी को भगाया जा सकता है। मंदिर पर चल रहे पूजा पाठ के कार्यक्रम में भाग लेने जाते समय पुलिस ने इन लोगों को रोका और 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसमें 14 नाम दर्ज किए गए हैं जबकि एक अज्ञात है। प्रधान जी, इस टाइम कहाँ पे आए थे और क्या मामला था? ये जो है साहब, माता रानी का धारा निकालते हैं हर 3 साल में जी, और किसी को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। गाँव को परेशानी आती है तो उसके आधार से हम शांति चाहते हैं गाँव के अंदर, तो शांति का दान चाहने के ज्यादा सुख शांति रहनी चाहिए, घर परिवार में खुशी रहनी चाहिए। घर परिवार के आधार से पूरे गाँव को, पूरे देश को शांति मिलनी चाहिए और हमारे पुलिस प्रशासन को भी शांति मिलनी चाहिए। हम उनका सहयोग करते हैं पुलिस प्रशासन का भी, कि हमारी पूजा पाठ करने के लिए हम चमंडा पे गए। चमंडा के जाने के बाद में हम आए माता के स्थान पर, थाना महिला के सामने, और जो हम वापसी करने वाले पुलिस प्रशासन ने कोई बात नहीं, मैंने उनकी उनकी बात का पालन करेंगे, हम पालन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि हर 3 साल में निकलती है, परमिशन की जरूरत नहीं सर, हम पुलिस प्रशासन का पालन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का अच्छा, इस बीमारी को लेकर जनता से भी क्या अपील करोगे आप? हम ये करेंगे अपील, जो कोरोना की महामारी बीमारी चल रही है, हर आदमी के अंदर डर बैठो यार, डर के आधार से वो डर निकल जाए और गांव में शांति रहनी चाहिए। जो वैक्सीन लग रही है, वो टीकाकरण लग रहा है, वो भी लगाना चाहिए। 2 मीटर की दूरी से बात करनी चाहिए, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, उसका हम पालन करेंगे, कानून का भी, पूरे गांव का भी और देश का भी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।